शिवसेना ने मध्य प्रदेश के सागर में धार्मिक मंदिरों पर लगाए चेतावनी भरे पोस्टर। वैलेंटाइन डे नाम मनाने की लोगों से की अपील। खबर मध्य प्रदेश के सागर से है। शिवसेना जिला प्रभारी विकास सिंह ने बताया कि जहां वैलेंटाइन डे की आते ही नव युगलों में उत्साह का माहौल रहता है, लेकिन शिवसेना इसे अंग्रेजी सभ्यता और अश्लीलता को बढ़ावा देने वाला त्योहार मानकर इसका विरोध करती है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के विरोध में सागर शहर के सभी कॉलेजों, पार्कों, मंदिरों एवं ऐसी सार्वजनिक जगहों पर जहां लोगों का सबसे ज्यादा आना जाना होता है, वहां शिवसेना द्वारा चेतावनी भरे पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें संदेश दिया गया है कि 14 फरवरी को माता पिता पूजन दिवस के रूप में मनाएं और पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करें। पोस्टर में यह भी कहा गया है कि जहां मिले बिट्टू जानू सोना, वहीं शिव सैनिक तोड़ देगी कोना कोना, जैसी धमकी दी गई है। वहीं बताया गया है कि वैलेंटाइन डे में शिवसेना का शहर में चप्पे चप्पे पर पहरा रहेगा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। आपने ये पोस्टर किस उद्देश्य से लगाए हैं? 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन कुछ विकृत मानसिकता के लोग अंग्रेजी सभ्यता को अपनाते हुए अश्लीलता फैलाते हैं और भारतीय संस्कृति को अपमानित करते हैं, जिसके खिलाफ शिवसेना ने आज होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों पर चेतावनी भरे पोस्टर लगाए हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करो और माता पिता दिवस का मनाएं। अगर इस प्रकार की चेतावनी के बाद भी यह विकृत मानसिकता के लोग समझ नहीं आते हैं, तो चेतावनी एक और दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि अश्लीलता फैलाने वाले जानू बिट्टू के लिए शिवसेना डंडे की नोक पर रोकेगी और अगर अश्लीलता करते पाए गए तो इनका मुंह भी काला किया जाएगा।